नीट 2024 में ग्रेस नंबर जिन बच्चों को मिले उनका एग्जाम तो दोबारा होना ही है, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस पेपर लीक के पूरे मामले के तार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं। हालांकि अब एनएचआई का एक बयान सामने आया है, इससे भाजपा के जो आरोप हैं उनको लेकर खुद भाजपा की मुश्किलें ही बढ़ सकती है। मामला दरअसल कुछ ऐसा है कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के एनएचआई सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और स्टूडेंट्स रुके थे। ये बात बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही है। आरोप है कि उसे तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने बुक करवाया था, जिसके बाद नीट पर मोदी सरकार को घेर रहा विपक्ष खुद ही घिरने लगा था। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया, तेजस्वी के इस कनेक्शन पर सियासत कैसे हो रही है, बताएंगे सब कुछ, पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मेघना, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू काफी एक्टिव है। मामला पेपर लीक से जो जुड़ा है, इस मामले में दिल्ली टू बिहार एक एक सबूत को एनालाइज कर एजेंसी कोशिश कर रही है कि मास्टरमाइंड और उससे जुड़े सभी लोगों का पता लगाया जाए। इस जांच के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट मामले को लेकर एक खुलासा करते हुए कह दिया कि तेजस्वी का नाम भी इससे जुड़ा है। कहा कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने नीट पेपर से पहले गेस्ट हाउस बुक करवाया था, इसमें वो सभी स्टूडेंट्स और मास्टरमाइंड रुके थे जिन्होंने पहले ही पेपर लीक कर सबको बांट दिया था। अब ईओयू की टीम इस मामले को लेकर सिकंदर यादवेंद्र और तेजस्वी के पीए के बीच का कनेक्शन खोजने में लगी हुई है और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इस मामले में गौर करने वाली बात यह कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जिस गेस्ट हाउस की बात की जा रही है उसको लेकर अब एनएचआई ने खुद ही एक बयान जारी किया है। संगठन ने एक बयान में कहा, एनएचआई स्पष्ट करना चाहता है कि एनएचआई के पास पटना में कोई गेस्ट हाउस है ही नहीं, जिसके बाद बिहार भाजपा ही घिर गई है। अब आते हैं तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम पर। ये प्रीतम आखिर कौन है, पहले इसका नाम सुर्खियों में आया है क्या कभी? रिपोर्ट्स के मुताबिक 52 साल के प्रीतम बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। साल 2022 में उन्हें तेजस्वी यादव का निजी सचिव बनाया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र और प्रीतम सिंह साथ ही अनुराग जो पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे पहले इस मामले में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र का नाम ही सामने आया था। पकड़े गए अनुराग ने यह बताया था कि यादवेंद्र दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है और उसके फूफा लगते हैं, उन्होंने ही उसे पेपर रटवाया था। जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ अनुराग नहीं बल्कि कई और बच्चों को भी एक जगह रुकवा कर एग्जाम से एक रात पहले यह पूरा पेपर रटवा दिया गया। इस दौरान आरोपियों ने यह भी बताया कि नीट बीपीएससी और यूपीएससी जैसे कई एग्जाम्स हैं जिनके पेपर लीक कराने वाला ये पूरा गिरोह बिहार से ऑपरेट करता है। अब दूसरी ओर राजद ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसे फर्जी करार दिया, कहा कि नीट से प्रभावित 25 लाख बच्चों का अंधकार में भविष्य इनके लिए चिंता का विषय नहीं। चर्चा चल रही है कि गेस्ट हाउस किसने बुक करवाया, गेस्ट हाउस इनके लिए चिंता का विषय बन गया है, एक झूठी कहानी पर गेस्ट हाउस की कहानी बनाई जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी राजद पर नीट पेपर लीक कराने के आरोप लगाए और कहा भ्रष्टाचार राजद के डीएनए में है, तेजस्वी यादव पेपर लीक में शामिल है। अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे इस मामले को लेकर सियासत खूब हो रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि नीट पर चर्चा नहीं की जा रही। अब दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर ही विजय सिन्हा ने गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि पूरे मामले पर आपको कौन सही और कौन गलत लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।